मैंने राघव और पाकी को खाने पे बुलाया है ताकि चाल वालों को दिखे कि कल्पी आगे बढ़ रही है, और ये बात मुझे विट्ठल को भी बतानी होगी। हेलो विट्ठल। हाँ कमला बोल। सुनना, वो आज ना मैंने राघव और पाकी को घर पे खाने पे बुलाया है। अरे क्या बोल रही है, तेरी कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जोर से बोल। विट्ठल, मैंने आज पाकी और राघव को खाने पे बुलाया है, तेरी इजाजत चाहिए थी। मेरी इजाजत कब से चाहिए तुझे, तू तो वही करती है जो तुझे करना होता है, और मैं साथ ही देता हूँ। आज मैं लेट आऊंगा थोड़ा। अच्छा अच्छा, रखती हूँ। हाँ। ओहो रुक रुक, दे रही हूँ मैं दी। वैसे ये सब संभालने से कुछ होने वाला नहीं है, कल भी है कुछ फायदा नहीं है। नौकरी जो होती है ना वो सर्टिफिकेट से मिलती नहीं है, नौकरी मिलती है सिफारिश से, समझ रही है? अब तो ढाबा शाबा ही खोलना पड़ेगा, और ढाबा खोलना भी कोई हलवा तो है नहीं। सोच ले, राघव जैसा मौका ना किस्मत वालों को मिलता है, फिर तू जॉब करेगी नहीं, तू जॉब देती फिरेगी लोगों को, समझ रही है? मत समझ। हेलो। हाँ जी, जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई है? वो जी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सॉरी, वो कल्पना ने ना दूसरी नौकरी कर ली है। हाँ जी हाँ जी, आप अभी फोन मत करना, मैं कल्पना की आई बोल रही हूँ। हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ बन गया कम। हाय भगवान जी, अब की बार आप मेरे साथ हो। थैंक यू। कल्पी तू भी क्या टाइम पे फोन यहाँ रख के चली गई, ये जॉब तुझे मिल जाती ना तो तेरा तो राघव के पास जाना मुश्किल हो जाता, और ऐसा होता तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल हो जाती। क्या बात है, डिलीट कर लो। हो गए डिलीट। हाय कितनी गर्मी है, बाप रे बाप। उफ, ये सब्जियां रख ले बेटा। आई इतनी सारी सब्जियां, गर्मी है और अपना फ्रिज भी खराब है। इतनी सारी सब्जियां इसलिए लाई हूँ क्योंकि आज रात राघव और पाखी खाने पे आ रहे हैं। मैं घर पर नहीं रहूंगी आई। तुझे रहना पड़ेगा बेटा, पीठ दिखाने से इंसान कमजोर होता है, और परिस्थिति का सामना करने से इंसान की पहचान होती है। तुझे सामना करना पड़ेगा कल्पी, क्योंकि हम लोगों को कमजोर नहीं होना है बेटा, है ना? मैं शांता ताई से घी और शक्कर लेकर आई। आई कमला भाई, तेरे अंदर अक्कल की कमी है ये तो मुझे पता था, लेकिन तू दिमाग से एकदम पैदल है ये तूने आज दिखा दिया है। तूने तो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, अब जो भी करना है मुझे करना है।